मामले से जिला नूरपुर में अवैध खनन माफिया आम जनमानस के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी एक गंभीर खतरा बना हुआ है। लेकिन प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए जो विभाग है वह कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं और इसी बात का फायदा उठाते हुए खनन माफिया ने चारों तरफ लूट मचा रखी है, जिसके लिए जिला कांगड़ा का इंदौरा क्षेत्र आजकल खासा चर्चा में बना हुआ है। यहां अब क्रशर उद्योग भी सरकार को नकली बिलों के सहारे हिमाचल की खनिज संपदा को लूट रहे हैं, जिसमें स्थानीय प्रशंसा इन्हें गोरख धंधों को देख कर भी अनदेखा कर अहम भूमिका निभा रहा है। मामला इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के मंड क्षेत्र में चल रहे क्रशर उद्योग से नकली बिलों के सहारे लाखों रुपए की खनिज संपदा को पंजाब में बेचे जाने का सामने आया है। बीती रात खनन विभाग के इंस्पेक्टर राहुल द्वारा इंदौरा के उलेडिया गांव में नाका लगा रखा था। इस दौरान खनिज संपदा ले जा रहे वाहनों की जांच करने पर पाया गया कि जो बिल व एक्स फॉर्म इन तीन गाड़ियों के पास है वह वास्तव में कंगेन माइनिंग ऑफिस धर्मशाला के अधीन पड़ते ब्यास कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टोन क्रशर के हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि उक्त क्रशर धर्मशाला माइनिंग ऑफिस के अधीन पड़ता है तो इसके बिल और एक्स फार्म नूरपुर माइनिंग ऑफिस के अधीन पड़ते मंड इंदौरा के स्टोन क्रशर के नियमों के तहत काट रहे हैं। इस बात से एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि इंदौरा में माइनिंग विभाग अवैध माइनिंग रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। जो कांग्रेस सरकार कभी विपक्ष में रहते हुए अवैध माइनिंग को जड़ से खत्म करने के दावे करती थी, आज उसी कांग्रेस सरकार में अवैध माइनिंग का गोरख धंधा बिना किसी रोक टोक के धड़ल्ले से फल फूल रहा है। हिमाचल प्लस उसके लिए इंदौरा से रमन कुमार की रिपोर्ट। तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसमें? इसमें चलान होगा। चलान होगा? ये जो क्रशर वाला जाली फॉर्म दे रहा है, ये फॉर्म पहले तो आए कहाँ से हैं? ये कहाँ से आए हैं फॉर्म और क्या ऐसा पॉसिबल है? तीसरा बड़ा तो तीसरे का बिल नंबर है 5751 और इसका एक्स फॉर्म नंबर है 3942248990003। एक मेरा एक तेरा एक ना बता। 9 बजे का बिल कटा हुआ है। आपने कहाँ से भरवाई है? वही क्लास है। क्लास 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 तो भरी है। तो एक्स फॉर्म तो धर्मशाला के नज़दीक कांगड़ा है उत्थे दिया वो देते तो सामने लंघ गई नवी गड्डिया भी उन्होंने उन्होंने और देते उन्होंने सही फॉर्म देते तो गल कर तो फिर यही चक्कर है। ठीक है राहुल जी, क्या करना है? पैसे दे के गड्डिया भर के फ्री भर के क्या कार्रवाई होगी? कैलाश फॉर्म के नाम से नहीं है ये, ब्यास कंस्ट्रक्शन के फॉर्म निकले नहीं बयान लेंगे पहले लिखे फिर क्या कार्रवाई होगी? सर हम अपने पीरियड को आगे ये फॉर्म जो है ये कोई जाली फॉर्म है ये लग रहे। ठीक है जी, इनकी जांच होगी। ठीक है, की गाड़ी नंबर है ताड़ा? PV07S98 कितना माल भरया? 900 फट। हाँ जी 900 फट।